हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 5 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 7। चैप्टर नेम इज़ एमएस वर्ड पार्ट 3। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। आफ्टर सिलेक्टिंग द पिक्चर टैब अपीयर्स फॉर्मेट पेज लेआउट इंसर्ट व्यू। आंसर इज फॉर्मेट। फॉर टेक्स्ट रैपिंग वी कैन यूज ऑप्शन square, tight, behind text, all of these. Answer is all of these. When we use text wrapping option, all options are there. I am showing you text wrapping option. Then next is to remove any unwanted parts of picture. Option is used crop, rotate, group, compress. Answer is crop. जब हम कोई पिक्चर क्लिक करते हैं या कोई पिक्चर है जिसको हमें पूरी पिक्चर नहीं चाहिए, कुछ पार्ट है जो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हमें रिमूव करना होता है पार्ट को। मोबाइल में भी ये ऑप्शन होती है, आपको पता होगा। तो जो क्रॉप ऑप्शन है उसको हम यूज़ करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन द एडजस्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब। करेक्शंस, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, रिमूव बैकग्राउंड, पिक्चर स्टाइल। आंसर इज पिक्चर स्टाइल। आई एम शोइंग यू एडजस्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब। लुक, दिस इज़ एडजस्ट ग्रुप। ऑप्शंस आर रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शंस, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, रीसेट पिक्चर। तो जो ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल, दिस इज़ नॉट देयर। वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बार एट द बॉटम ऑफ द विंडो। टास्क बार, स्टेटस बार, टाइटल बार, स्क्रोल बार। नंबर ऑफ वर्ड्स हम कहाँ पर देख सकते हैं? ऑन द स्टेटस बार। लुक, दिस इज़ द स्टेटस बार। इसमें देखिए पेज नंबर है, कौन सा पेज चल रहा है, पेज 101। वर्ड्स आप देख सकते हैं, तो इसमें हम वर्ड्स की ऑप्शन है, इसमें है कि हम कितने वर्ड्स हमने टाइप किए हैं, तो स्पेलिंग, ग्रामर चेक। तो ये ऑप्शंस जो हैं ये सारी स्टेटस बार पे होती हैं। देन नेक्स्ट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। विच ऑप्शन स्प्लिट द टेक्स्ट इनटू टू और मोर कॉलम्स। आंसर इज कॉलम ऑप्शंस। आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कॉलम ऑप्शंस। फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप इन द फॉर्मेट टैब डिवाइड द टेक्स्ट इनटू टू और मोर सेक्शंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज विच पेज ओरिएंटेशन सेट द पेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आंसर इज लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जब आप लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते हैं, जो पेज की पोजिशन है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ये मैं आपको अभी आगे जाके दिखाऊंगी। Which option is used to group two or more images together so that they can be treated as a single object? Answer is group command. Group command मैं अभी आपको show करती हूँ कहाँ पर होती है। This is the group command। यहाँ पर arrow बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये जो है this combine two or more pictures together। Option can be used to change the colors of the picture. Answer is color option from the adjust group. Which option is used to count words in MS Word? Answer is word count dialog book box from the status bar. अभी मैंने आपको status bar दिखाया था, उसमें word count जो box था उसमें हम अपने word count कर सकते हैं। What are the margin? Margin क्या होता है? It is the space between the text and the edge of the page. By default a new document margin are set to normal, which means it has a 1 inch space between the text and each edge. Means पेज में और जो हमने टाइप किया उसमें कितना, उस पेज का जो एज होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा, वो होता है पेज मार्जिन। अगर हम कुछ भी सेट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 inch होता है, और हम इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेस पिक्चर? विद दिस बटन द इमेज कैन बी कंप्रेस्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट। पिक्चर्स कैन बी रिड्यूस्ड इन स्टोरेज साइज। कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन कहाँ पे होती है? अभी मैं आपको शो करती हूँ। लुक, दिस इज कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन इन द एडजस्ट ग्रुप। कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन होती है। ओके, यहाँ पे एरो बना हुआ है रेड कलर का। ओके, दैट इज कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन। Then next is write about reset picture. This button is used to undo all formatting changes made to picture and restore it to its original format. Means जो भी formatting की है, जो भी हमने उसमें font लगाया या कुछ भी लगाया, styles लगाए हैं, उसको हम undo कर देते हैं। Means reset picture अगर हम करते हैं तो जो सारी formatting है वो undo हो जाती है और जो picture है original format में आ जाती है। Okay, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्रॉप ऑप्शन। क्रॉप ऑप्शन क्या है? जो अनवांटेड पार्ट है इमेज का जो हमें नहीं चाहिए उसको हम क्रॉप कर देते हैं। ओके, ये ऑप्शन कहाँ पे होती है मैं अभी आपको शो करती हूँ। दिस इज़ द क्रॉप ऑप्शन। ओके, द
The next is give the name of two page orientation in MS Word. Answer is portrait and landscape. To change the position of the page, steps are as follows. Page orientation दो तरह की है, portrait और landscape. Portrait में जो position है वो vertical होती है, landscape में horizontal होती है. ये देखिए ये portrait है, ये landscape है. हम कोई भी orientation choose कर सकते हैं. Now what are the steps? Select the page layout tab. In the page setup group, click on the orientation command. Click portrait or landscape to change the position of the page. Write the name of the various option available in adjust group of picture tools format tab. Answer is correction, picture color, artistic effect, compress picture, change picture, reset picture, remove background. मैं already आपको adjust group दिखा चुकी हूँ. आप अगर देखना चाहते हैं आप back करके video को देख सकते हैं. What is watermark? Write steps to add watermark in a Word document. Watermark क्या होता है? जो watermark है, it is just like a stamp. It is used for confidential document. ये एक image होती है जो कि थोड़ी blur होती है, पर ये हमें उसमें दिखाई देती है paper में पीछे की तरफ. Means पीछे में जो हमें text लिखा है उसके background में हमें दिखाई देती है. What are the steps to add a watermark? Open the document which you want to include the watermark. पहले हमने वो document open करना है. Then click page layout tab. उसमें watermark button पे click करना है. Then there will be options of different watermark. जो भी आप watermark select करना चाहते हैं, then you will click on that option like this. ये देखिए different watermark की options हैं. जैसे कि इसमें लिखा confidential, do not copy, do not copy draft. तो इसमें से कोई भी आप watermark option select कर सकते हैं according to your requirement. Write the steps to run a spelling and grammar check. First is steps हैं हमारा. First step है from the view tab click the spelling and grammar command. Spelling and grammar dialog box will appear. Then this dialog box offer one or more suggestion for spelling and grammar error. You can select a suggestion and click change to correct the error. Spelling and grammar check का use क्या है कि जैसे आपने कोई spelling लिखे जिसमें आपको doubt था कि ये सही है या नहीं सही. कई बार हमें computer खुद भी show करता है, वो हमें जो word है वो red दिखने लगता है, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी कुछ mistake है. तो हम spelling and grammar command use कर सकते हैं. ये होती है review tab में. ये देखिए टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर की कमांड है जिस पर आप क्लिक कर सकते हैं. एक्सप्लेन द स्टेप्स टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट. व्हाट आर द स्टेप्स? फर्स्ट इज फाइल टैब पे आपने क्लिक करना है. उसमें प्रिंट की ऑप्शन होगी, उसमें क्लिक करना है. प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. उसमें आपने सबसे पहले नेम लिखना है अपने प्रिंटर का. उसके बाद कॉपीज बॉक्स में जाना है. कॉपीज जितनी चाहिए आपने उस पर क्लिक करना है. ओके, इन द पेज रेंज आपने सिलेक्ट करना है कि सभी पेजेस का आपको प्रिंट चाहिए या कुछ पेजेस का चाहिए. अगर सभी का चाहिए तो ऑल करोगे. अगर आपको जैसे मान लो 1 से लेके 5 पेजेस का प्रिंट आउट चाहिए तो 1 to 5 आप प्रिंट पे क्लिक करोगे, पेजेस पे क्लिक करोगे. उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है दैट विल बी प्रिंटेड. ये देखिए फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है. उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर का नाम लिख देना है, कॉपीज़ कितनी चाहिए वो लिख देनी है. देन प्रिंट ऑल पेजेस, एक साइड प्रिंट करनी है, दोनों साइड प्रिंट करनी है. पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चाहिए, लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहिए, वो आप यहाँ पे सारा टाइप करेंगे. ओके, देन जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा.